नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजन, सीएम धामी ने इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान का किया आगाज, भू कानून में होगा बदलाव। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा ने की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक, प्रथम चरण के सदस्यता अभियान का लिया फीडबैक। मंगलौर के आमखेड़ी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, एक की मौत 12 घायल, पुलिस ने 5 आरोपी किए गिरफ्तार। ऊधम सिंह नगर में पिता ने की बेटे की हत्या, नशे में 12 साल के मासूम पर लोहे की रॉड से किए वार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रदेश में सड़कें जल्द होंगी गड्ढा मुक्त, पीडब्ल्यूडी एमडी ने दी 15 अक्टूबर की डेडलाइन, अब तक खुले 430 मार्ग। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस बीच की बड़ी और अहम जानकारी। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नया ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगले सत्र तक यहां जल्द आएगा नया भू कानून। ये बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा है कि अगले बजट सत्र तक मैं नया भू कानून लेकर आऊंगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि अगले सत्र तक नया भू कानून आ जाए, अगले बजट सत्र तक भू कानून आएगा। और इस खबर पर हमारे साथ हिमांशु बरमूला अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगले बजट सत्र तक नया भू कानून आ जाएगा। हिमांशु, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि हम उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं और भू कानून है उसको लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है। इसी कड़ी में आज उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जो है अगले बजट सत्र के दौरान भू कानून को पेश किया जा सकता है। अभी तक अगर राज्य की स्थिति की बात करनी जाए तो राज्य में तकरीबन जो राज्य के बाहरी व्यक्ति हैं वो 250 वर्ग मीटर तक यहाँ पर जमीन खरीदते थे, लेकिन भू कानून आने के बाद वो सख्त कदम सरकार उठाएगी और कड़े नियम उनके उनको कड़े प्रावधानों के तहत निर्देश दिए जाएंगे। यानी कि अभी तक उत्तराखंड में कोई बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन लेता है तो 250 वर्ग मीटर वो जमीन ले सकता था, लेकिन सरकार को कई ऐसी शिकायतें मिली कि एक ही परिवार के 4 लोग अलग अलग नामों से जमीन ले रहे हैं, जबकि एक परिवार को एक ही 250 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जाती थी उत्तराखंड में, लेकिन 4 लोग मिलकर अलग अलग नामों से उस जमीन को ले रहे हैं। तो ऐसे में सरकार अब जमीनों को बचाने के लिए उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने जा रही है और सरकार अब परीक्षण भी करवाने जा रही है कि किस घर के पास कितनी जमीन है जो बाहर से आए व्यक्ति उत्तराखंड में रहते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास 250 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन मिलती है और अलग अलग नामों पर परिवार के सदस्यों के नाम पर होती है तो उसे वापस ले लिया जाएगा और उसे सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। यानी कि उत्तराखंड के जो लोगों की मांग थी भू कानून को लेकर वो उस तरफ एक और कदम बढ़ चुका है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात कर ली जाए तो वो पहले से सख्त भू कानून के पक्षधर रहे हैं, शुरुआत से ही जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं और भू कानून के पक्षधर रहे हैं। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के जो लोगों की डिमांड है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में सख्त भू कानून कर दिया जाए। अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में कोई भी बाहर का व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकता और ना ही वहां पर अपना आवास बना सकता है या मकान बना सकता है। तो इसी तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों की भी मांग यही है कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू किया जाए, क्योंकि जो सीमांत और क्षेत्र है और इसके साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं और छोटे किसानों की अगर बात कर ली जाए, अगर बेरोक टोक वो जमीन बेचते हैं तो ऐसे में वो भूमिहीन हो जाते हैं और बाद में उनके पास कुछ रहता नहीं है। और उत्तराखंड इस वक्त पलायन का दंश झेल रहा है। फरवरी 2024 में एक रिपोर्ट आई थी,
उत्तराखंड के पहाड़ी एरियो से पहाड़ी क्षेत्रों से तकरीबन 17 लाख से अधिक लोगों ने शहरों की तरफ पलायन किया है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं सख्त भू कानून को लेकर जो कमेटी बनाई गई है वो अब इस पर इसके प्रावधानों पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है उसने। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तक जो भी ऐलान किए हैं वो उन्होंने जमीन पर उतारने का भी काम किया है, चाहे नकल विरोधी कानून की बात कर ली जाए, धर्मांतरण कानून की बात कर ली जाए या यूसीसी की बात कर ली जाए। अब एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि बजट सत्र 2025 तक जो है उत्तराखंड में भू कानून पेश किया जा सकता है और बजट सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। हिमांशु, यहाँ पर आपसे एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि 2017 में किस तरीके का भू कानून था और अभी उसमें कितने बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। हिमांशु, निश्चित रूप से अगर भू कानून के उत्तराखंड में अगर बात कर ली जाए तो भू कानून के प्रावधानों के तहत अभी उत्तराखंड में एक बाहर का व्यक्ति 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। हालांकि अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है, तो वो सरकार से अलग परमिशन लेता है, यानी कि सरकार उद्योग लगाने के लिए या औद्योगिक घरानों को अलग से जमीन देती है और इसके साथ ही साथ वहां पर सरकार की तरफ से अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में अगर कोई बाहर से आया व्यक्ति व्यावसायिक तौर पर जमीन यहाँ पर लेता है, यानी कि अपने लिए लेता है जमीन, तो उसको 250 वर्ग मीटर मिलती थी। और ये 2007 से पहले की अगर बात कर ली जाए तो 2007 से पहले बाहर का व्यक्ति कोई भी कितनी भी जमीन उत्तराखंड में ले सकता था। हालांकि 2007 में जब भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भू कानून के कड़े जो प्रावधान है उनको और कड़ा किया और उन्होंने 250 वर्ग मीटर ही इसमें जो है जमीन को रखा। इसके बाद ये लगातार जो भी सरकारें आई वो लगातार इसको 250 वर्ग मीटर बनाए रखा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार इस पर पहल की है और अब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 250 वर्ग मीटर तो खरीद सकते हैं जमीन, लेकिन एक परिवार के जो चार सदस्य हैं, यानी कि अगर कोई परिवार है उसके माता पिता हैं, उस फैमिली में खुदा और उसकी धर्मपत्नी है, तो वो उन चार व्यक्तियों ने अलग अलग नाम से 250 वर्ग मीटर उत्तराखंड में जमीन ली हुई है, ऐसी शिकायतें मुख्यमंत्री को मिली। तो इसी पर इसी का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि सख्त भू कानून उत्तराखंड में लाया जाएगा और जो भी एक परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को 250 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी, अगर जो बाकी जमीन है उसका अगर यूज नहीं किया जा रहा है या जिस चीज के लिए वो जमीन खरीदी थी उस चीज के लिए वो जो जमीन है वो काम में नहीं आ रही है, तो वो सरकार को वापस मिल जाएगी। यानी कि सरकार एक तरीके से अपनी जमीन का जो लैंड बैंक है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और आने वाले समय में ये भू कानून को लेकर और भी कई कड़े फैसले मुख्यमंत्री ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। आपकी जानकारी, आपने जो जानकारी हम तक पहुंचाई है ये बहुत उपयुक्त जानकारी है। उम्मीद है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये जो ऐलान किया है, ये जो घोषणा की है, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो लोग जमीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं उनसे बचा जा सकेगा। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के तहत कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये एक अच्छी मुहिम चलाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जन जागरण का काम निरंतर चलते रहना चाहिए। उन्होंने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि हमेशा ये देखने में आता है कि लोग कार में बैठने के बाद खान पान की वस्तुओं के रैपर, प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि को सड़कों पर यूं ही फेंक देते हैं। उन्होंने कहा कि कार में गार्बेज बैग रख कर कूड़ा एकत्र करने से लोगों में से कूड़ेदान में ही डालने की अच्छी आदत पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन के तहत राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से काम किए जा रहे हैं। दूसरी ओर दोपहर बाद सचिवालय के मीडिया सेंटर में सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की है। उत्तराखंड में बीजेपी के द्वारा सदस्यता पर्व के रूप में मनाए जा रहे सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम किया जा रहा। उत्तराखंड में पहले चरण के सदस्यता अभियान की बीजेपी अलग अलग चरणों में समीक्षा कर रही है। पहले चरण में पदाधिकारी और मंडल के संयोजकों को आमंत्रित किया गया था। दूसरे चरण में विधायकों और जिलों के प्रभारियों को बुलाया गया था। इसके बाद तीसरे चरण में पदाधिकारी के साथ समीक्षा होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रदेश में ऑनलाइन और
ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सदस्यता अभियान को चलाने का काम किया गया है। पहले चरण में 13,14,000 सदस्य बनाए गए हैं। सदस्यता अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। और मुझे बताते खुशी है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन सदस्यता 12,05,000 हो चुकी है। ऑफलाइन जहाँ मोबाइल फोन नहीं थे, ऐसे अभी प्रथम चरण में 1,09,000 की सदस्यता हुई। लगभग 13,14,000 हमारी सदस्यता अभी तक की उत्तराखंड में हो चुकी है। 3 बूथ ऐसे हैं जहाँ भाजपा को जितने वोट पड़े थे, लोकसभा विधान जो ज्यादा वोट थे, वो उतने सदस्य बूथ हमारे बन गए हैं। उनमें ऋषिकेश का बूथ क्रमांक 85, मेरा स्वयं का बूथ बदेना विधानसभा बूथ क्रमांक 75 और विकास नगर का बूथ क्रमांक 8। ये ऐसे 3 बूथ हैं जहां अभी आज के समय में आया है कि यहां पर भाजपा को जितना मत मिला था उतने सदस्य, उनसे ज़्यादा, एक दो सदस्य ज़्यादा ये हमारे सदस्य बने हैं। अब क्योंकि सदस्यता अभियान का द्वितीय चरण हमारा प्रारंभ हो रहा है, 29 को मन की बात है, हमने जो लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक बूथ पर हर कार्यकर्ता 100 सदस्य बनाएगा, तो अनेकों कार्यकर्ता बूथ पर गए हैं। हमारे सभी बूथों पर 29 तारीख को भी सदस्यता का काम पूरा होगा और ऐसे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर सदस्य गए हैं उनके 100 के सदस्यता उस स्थिति में हो जाए। कि बाजपुर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर पट्टी में एक नशेड़ी पिता ने लोहे की रॉड से अपनी 12 साल की बेटी के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पड़ोस में रहने वाली उसकी चाची के द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि बच्चे के शव को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे मृतक के पिता को हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना से क्षेत्र भर में सनसनी फैल गई है। मंगलौर क्षेत्र के आमखेड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई थी और आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर तौर पर घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और धारदार हथियार चलाए गए थे। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से गांव में अतिरिक्त तो पुलिस बल को तैनात कर दिया है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। आमखेड़ी गांव में दो पक्षों के मध्य विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने और 3-4 अन्य के घायल हो जाने की सूचना पर SSP हरिद्वार सर के द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर विभिन्न टीमें गठित कर अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। साथ ही गांव में पुलिस बल तैनात करने हेतु भी निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में कोतवाली मंगलौर की पुलिस के द्वारा विभिन्न टीमें गठित कर उक्त घटनाक्रम के अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाय कत्ल व अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। सभी अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। मौके पर गांव में पुलिस बल तैनात की गई है। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, फिर भी एहतियातन सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। उत्तरकाशी सीमांत गांव में हर्षिल में सामरिक और चारधाम सहित पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भागीरथी नदी पर 5 माह पूर्व बने स्टील गार्डर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। दरअसल 6,51,00,000 की लागत से बने मोटर पुल डामरीकरण 5 माह में ही उखड़ गया है। डामर के नीचे बिछी सरिया निकलने से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सामरिक और पर्यटन के महत्व को देखते हुए शासन ने करीब 6,51,00,000 की लागत से बने इस 42 मीटर लंबे स्मान के स्टील गार्डर पुल को मंजूरी दी थी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक निर्माण खंड ने भागीरथी नदी पर पुल का निर्माण पूरा कर फरवरी में इसे भटवाड़ी को हस्तांतरित किया था। अब पुल निर्माण पर प्रयोग हुए मानकों और गुणवत्ता पर 5 माह में ही सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल पुल का डामरीकरण 5 महीने में ही उखड़ गया है। सरिया वाहनों के लिए खतरा बनी हुई है। साल
साल भी नहीं हुआ है पुल को बने हुए और उसकी ऊपरी परत जो है सारी निकल गई है और उसके जो है आरसीसी की जो है सरिया दिखने लग गई है। इससे पहले भी मैंने वर्ल्ड बैंक के जेई को मौखिक रूप में बोला था कि आप इसको सही करा दीजिए और उन्होंने बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया और अब जाके उसके गड्ढे गड्ढे होने लगे, उसमें पानी भरने लग गया है और ये स्थिति है कि नीचे की सरिया दिखने लग गई है। तो मेरा जिला प्रशासन डीएम साहब से अनुरोध है कि प्लीज़ सर इस पे जो है जिस ठेकेदार ने काम किया है या जिस विभाग वर्ल्ड बैंक विभाग ने काम किया है उसको जल्दी से जल्दी आदेशित करें कि इस पे जो ऊपरी परत है, क्योंकि हर्षिल ग्राम सभा जो है पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तराखंड में आने वाले त्योहारी सीजन में पटाखा व्यापारियों पर जीएसटी के इस बार पैनी नजर रहने वाली है। विभाग के पास इस तरह के इनपुट हैं कि पटाखा व्यापारियों के द्वारा अपना टर्नओवर छुपाया जाता है। उत्तराखंड में आने वाले पटाखे या फिर पटाखे में व्यापार करने वाले व्यापारी टैक्स देते समय तो इनका मूल्य काफी कम दिखाते हैं, लेकिन जब यही पटाखे मार्केट में आते हैं तो उसी समय इनका रेट काफी बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में अब आप जीएसटी डिपार्टमेंट पटाखा व्यापारियों पर कड़ी नजर रखने जा रही है। बता दें कि पटाखे 28% जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में पटाखा व्यापारियों के द्वारा अपना रेवेन्यू छुपाकर प्रदेश में टैक्स चोरी कर राजस्व को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस बार जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हमें जीएसटी कलेक्शन करने की जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं। आपको जानकारी दे रहा हूँ, कल भी हमारे द्वारा ऐसे बहुत सी कंपनीज के खिलाफ अभियान छेड़ा गया और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से आईटीसी लेने के लिए कुछ फर्जी फर्में बनाई थी उससे भी हमें एक प्राप्ति हुई है, क्योंकि कुछ हमारे अंदरूनी कार्य होते हैं जिसका हम खुलासा जल्दी से नहीं करते हैं। लेकिन आपने यदि सवाल किया तो मैं उसके सापेक्ष ये जवाब आपको दे रहा हूँ कि जहाँ भी हमें कहीं लगती है, कहीं कर चोरी की बात आती है, कहीं जानबूझ के या किसी भी रूप में फर्जी फर्म बना के कुछ भी ऐसी काम करने की जो लोग कोशिश करते हैं उस पर हम कड़ा प्रहार करते हैं। प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने चंद दिनों पहले आपदा प्रबंधन राहत पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए इस संबंध में निर्देश दिए थे। सीएम धामी ने आपदा से प्रभावित बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने को कहा था ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो। पीडब्ल्यूडी के एमडी दीपक यादव ने बताया कि हमने पिछले महीने से ही सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। आगामी 15 अक्टूबर तक सभी रास्तों को दुरुस्त कर लिया जाएगा और सड़कों को गड्ढा मुक्त भी किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी देहरादून ने भी मुख्यमंत्री के आदेश पर देहरादून की सभी सड़कों और रास्तों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही है। ऐसी योजनाओं में तो अब बारिश के बाद जो है हम मेजर ड्राइव चला के सबसे पहले तो हम जो है जो हमारे सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करने का या पैच मरम्मत का कार्य करेंगे, क्योंकि वो इस समय की आवश्यकता भी है। बारिश से काफ़ी क्षतियाँ हो गई हैं और हमने पहले भी कार्य योजना बनाई है, इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, पिछले मंथ से ही काम कर रहे हैं। तो पिछले मंथ हमने जो असेसमेंट किया था कि लगभग जो स्टेट हाईवे MDR ODR इन पे लगभग 2000 किलोमीटर जो पैच हमें बनाने की आवश्यकता थी, अब वर्तमान क्षति और बढ़ गई है उसका भी हम आकलन करा रहे हैं। तो बारिश जैसा आज मैं देख भी रहा था कि बारिश मानसून विड्रॉल सर 29 से लेकर 3 अक्टूबर के मध्य हो रहा है, तो उसके तत्काल बाद हम जो है पैच मरम्मत का कार्य करेंगे और ये सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। बिल्कुल होगा क्यों नहीं होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, बिल्कुल रास्ते सारे खुले जाएंगे, गड्ढे भरे जाएंगे। 15 अक्टूबर तक के लिए डेडलाइन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम उम्मीद करते हैं कि उसके पहले पहले सारे काम हो जाएंगे। उत्तराखंड में दो दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। दो दिनों की बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग, अल्मोड़ा और चंपावत में कई मार्ग बाधित हैं, जिन्हें
खोलने का प्रयास किया जा रहा। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि बुधवार शाम तक 54 सड़कें बंद थी, जिन्हें आवागमन के लिए सुचारू करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों में बारिश हो रही, लेकिन बारिश रुक रुक कर और हल्की हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए थे। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया है कि 14 सितंबर को आपदा प्रबंधन की जो समीक्षा हुई थी, उसमें 480 मार्ग अवरुद्ध थे। अब तक 430 रास्तों को पूरे तरीके से आवागमन के लिए खोल दिया गया है। और उसके कारण कुछ सड़कें हमारी बंद हुई हैं। आज की बात करें तो आज हमारा शारदा यात्रा मार्ग पे बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बाधित है और अल्मोड़ा में कुआरव के पास मार्ग बाधित है, चंपावत में केजीगढ़ मार्ग बाधित है और कई रास्ते बंद हुए हैं जिसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। 14 तारीख में जानते हैं आप लगभग 481 सड़कें बंद थी, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 430 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया अब तक। और जो सड़कें बंद हैं, कल की फिगर थी करीब 54 सड़कें बंद थी जिनको खोलने की कार्रवाई चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अभी हाल ही में 2 दिन पहले बैठक ली गई थी, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को सभी रास्तों को खोलने के लिए निर्देश दिए गए थे। सभी जनपद और विभाग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।